नमस्कार दोस्तों, यदि आप रोजा रखने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियम और कानून जरूर अपनी जिंदगी में लागू करने चाहिए, क्योंकि इन नियम और कानून को अपनी जिंदगी में लागू करने से आपका उपवास आपके लिए कुछ सफल कार्य लेकर भी आएगा। कहते हैं यदि आप रोजा रखने जा रहे हैं तो उसमें आपको नियम अनुसार ही रोजा रखना चाहिए, क्योंकि रोजा रखने के भी अलग नियम और कानून होते हैं। यदि आप नियम के अनुसार रोजा रखते हैं तो यह आपके लिए रोजा जिंदगी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ सकता है। नंबर एक, यदि आप सहूर लेने जा रहे हैं यानी कि आप रोजा रख रहे हैं तो आपको सुबह सहूर लेना जरूरी है, वरना आपका उपवास खंडित माना जाएगा। नंबर दो, यदि आपने रोजा रखा है तो उसमें आपको इफ्तार लेने में देरी नहीं करनी चाहिए, यानी कि जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद ही आपको इफ्तार लेना चाहिए। जब सूर्य क्षितिज दिशा में अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर ले तो समझ लीजिए सूरज छिप चुका है और इसके बाद आप इफ्तार ले सकते हैं। नंबर तीन, यदि आप भूलवश कुछ खा या पी लेते हैं तो इससे आपका रोजा खराब नहीं होगा, यानी कि आप उसे जारी रख सकते हैं। आप उसके बाद भी, यानी कि अगर आपने भूलवश खा लिया है कुछ, तो उसके बाद भी आप अपना रोजा रेडी रख सकते हैं, यानी कि आप जारी रख सकते हैं। यदि आप गलती से ना करके अपने आप ही कुछ खा या पी लेते हैं तो आपका रोजा अमान्य होगा। नंबर चार, यदि आपको रोजा रखने के बाद उल्टियां आ रही हैं और यह आप अपने आप से यानी कि जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, उल्टियां आपको खाली पेट की वजह से कभी कभी हो जाती हैं या तबीयत खराब होने की वजह से आपको उल्टियां हो जाती हैं, आपका रोजा खराब नहीं होगा, यानी कि आप उस रोजे को अपना तैयार कर सकते हैं, आगे तक जारी रख सकते हैं। यदि आप उल्टी अपनी तरफ से ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उल्टी करने की, तो आपका रोजा खराब हो सकता है, वो अमान्य माना जाएगा। नंबर पाँच, यदि आपने रोजा रखा है तो रोजे में आपको नहाना जरूरी है, क्योंकि रोजे में कहते हैं कि आपको सफाई का ज्यादा ध्यान रखना होता है, इसलिए आपको नहाना जरूरी है। अगर आपको तापमान ज्यादा गर्म लग रहा है, मौसम की वजह से आपको ज्यादा गर्मी लग रही है, तो भी आप नहा सकते हैं, इससे आपके रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर छः, यदि आप रोजे के दौरान यौन संबंध स्थापित करते हैं अपनी पत्नी या पति के साथ, तो इससे भी आपके रोजे पे फर्क पड़ता है। कहते हैं यदि आप यौन संबंध रखते हैं तो उसमें आपको 60 दिनों तक रोजा रखना होगा, और इसमें यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप 60 गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, कफ़रा कहा जाता है। नंबर सात, यदि आपने रोजा रखा है और उस दौरान आपको मासिक धर्म यानी कि रक्त साफ हो जाता है तो आपका रोजा मान्य नहीं माना जाता। कहते हैं यदि आप रोजा रखने के बाद जब आप इफ्तार ले रहे होते हैं तब आपका रक्त साफ हो जाता है, तो उसके दौरान भी आप रोजा मान्य नहीं माना जाता। आप रोजा अगले यानी कि कुछ दिनों के बाद भी रख सकते हैं जब आप ठीक हो जाएं। तो ये थे वे कारण जिन्हें रोजे के दौरान पर यदि आप करते हैं तो आपके रोजे यानी कि जो आपने व्रत यानी उपवास रखे हैं वह खंडित माने जाते हैं, और अपने रोजे को ठीक से तैयार करें, यानी कि आप अपना उपवास किस तरह से कर सकते हैं तो इस वीडियो के दौरान जान सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।